जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में। हम देख रहे थे सीजीटेट सीटेट के लिए अपने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की क्लास, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी की क्लास, जिसका आज लेक्चर नंबर 5 है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है विकास को प्रभावित करने वाले कारक, द फैक्टर्स अफेक्टिंग चाइल्ड डेवलपमेंट। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और वो भी इसका लाभ ले सके। तो चलिए हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करें। इससे पहले हमारी जितने भी सीडीपी की क्लासेस हुई हैं या फिर सीजीटेट सीटेट के लिए हमारी जितने भी क्लासेस हुई हैं तो उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। जैसे कि इंग्लिश पेडागॉजी मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है तो इंग्लिश पेडागॉजी नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। फिर उसके बाद ये जो क्लासेस हो रही हैं सीजीटेट सीटेट नाम से अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जाकर के इसको विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ सीडीपी की भी अलग से प्लेलिस्ट बनी है तो आप उसमें जाकर के विजिट कर सकते हैं। और आपको यदि इसकी पीडीएफ्स को प्राप्त करनी है और आपको डिटेल लेक्चर्स में आपको चाहिए, सभी क्लासेस के डिटेल लेक्चर्स चाहिए, तो आप हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल ऐप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा 9584532690। इस नंबर पर संपर्क करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ डिटेल्ड लेक्चर्स को आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और कहीं पे भी कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करें। जैसा कि मैंने बताया आपको, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि पहला कारक जो विकास को प्रभावित करता है उसको कहते हैं हेरिडिटी। क्या कहते हैं हम? हेरिडिटी। हिंदी में हेरिडिटी को कहते हैं आनुवंशिकता। क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं, ठीक है। दूसरा कारक जो विकास को प्रभावित करता है वो है हमारा एनवायरमेंट, वो है हमारा वातावरण। क्या है? वातावरण। अब बात आती है कि आनुवंशिकता, एक एक करके दोनों को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी कारण है विकास को प्रभावित करने के लिए और किस तरीके से वातावरण कारण है जो कि विकास को प्रभावित कर देता है, ठीक है। चलिए एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी ऑन डेवलपमेंट। क्या देखने वाले हैं हम लोग? इन्फ्लुएंस ऑफ, और वी कैन से कि फर्स्ट फैक्टर इज हेरिडिटी और उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे। तो इन्फ्लुएंस हम देख रहे हैं, हम आनुवंशिकता का प्रभाव देख रहे हैं। किस पर है ये प्रभाव? तो है ये विकास पर, ये प्रभाव हो रहा है। किसके विकास पर? बालक के विकास पर। अब यदि हम, पहली बात तो हमको समझना है कि हेरिडिटी होता क्या है। तो हेरिडिटी ये जो आनुवंशिकता है उससे जो टर्म रिलेट करता है उसको कहते हैं हम जीन। क्या कहते हैं हम? जीन। अब जीन कैसे बनता है तो पहले हम उसकी चर्चा करेंगे। जैसे कि आप यदि बायो के स्टूडेंट हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप बायो के स्टूडेंट नहीं हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि जब हमारा निर्माण कैसे हुआ, हमारा निर्माण हुआ है पिता के स्पर्म से और माता के ओवम से, पिता के स्पर्म से और माता के ओवम से, ठीक है, हमारा निर्माण हुआ है। अब यदि हम बात करें तो कैसे, तो जब हमारा, जैसे कि हम जब गर्भ में आए, तो गर्भ में जब हम आए हैं तो हुआ क्या है, जो पिता के जो 23 क्रोमोसोम्स हैं, 23 क्रोमोसोम्स, ठीक है, जब गर्भधारण के समय होता क्या है कि जब बच्चे का जब निर्माण प्रारंभ होता है तो उसके अंतर्गत पिता से
कितने क्रोमोसोम्स? 23 क्रोमोसोम्स आते हैं। और माता से कितने क्रोमोसोम्स आते हैं? तो माता से भी 23 क्रोमोसोम्स आते हैं। तो कुल मिलाकर के कितना हो जाता है? कुल मिलाकर के 23 और 23 46, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। अब जब 46 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं तो हमारे अंदर कितने एक एक करके गिनेंगे? तो 46 क्रोमोसोम है। जोड़े में गिनेंगे तो हमारे अंदर 23 क्रोमोसोम है, जो कि जोड़े में 23 है, और एक एक करके गिनेंगे तो 46 है। जो 46 आए हैं तो पिता से 23 आए हैं और माता से 23 आए हैं। इन क्रोमोसोम के अंतर्गत, इस क्रोमोसोम के अंतर्गत क्या होता है? इस क्रोमोसोम में ही हमें ये क्या होते हैं, इनका आकार, जो क्रोमोसोम होते हैं ना, ये धागे के आकार के होते हैं। किस आकार के? धागे के, जैसे कि धागा होता है ना, वैसे ही ये धागे के आकार के लंबे होते हैं, लंबा होता है ये, ठीक है। और प्रत्येक क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है? तो जीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीन पाया जाता है। और जिसकी वजह से ही, और इसी की वजह से हममें आनुवंशिक, इसी जीन की वजह से हममें आनुवंशिक गुण संचित होते हैं। क्लियर है? अगेन रिपीट कर रही हूं मैं। मैंने क्या कहा, हम जब अपनी माता के गर्भ में थे तो पहली बात, हम गर्भ में आए कैसे? तो हम गर्भ में आए जब पिता का स्पर्म माता का ओवम जब मिला, तब हमारा निर्माण हुआ। फिर गर्भ धारण के समय हमने अपनी अपने पिता से 23 क्रोमोसोम और 23 क्रोमोसोम माता से हम में आए, यानी कि कुल मिलाकर के 46 क्रोमोसोम हो गए। इस क्रोमोसोम के अंदर जीन पाया जाता है, और यही जीन जो होता है वो हमारे आनुवंशिक गुण को, इसी जीन के अंदर हमारे आनुवंशिक गुण क्या होते हैं? संचित होते हैं। क्लियर है? अब बात आती है कि आनुवंशिकता का अर्थ हुआ क्या, तो हेरिडिटी का मतलब हुआ क्या? तो याद रखिएगा कि मीनिंग ऑफ हेरिडिटी क्या होता है। एक एक शब्द जो आपको बता रही हूँ एग्जाम में पूछा गया है ना, और आपको एमसीक्यू, जैसा कि मैं हमेशा बोली हूँ, थ्योरी कर लो और एमसीक्यू करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं आप लोगों को पूरे एमसीक्यू भी करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप लोग थ्योरिटिकल पार्ट अपने कंप्लीट रखिए। तो मीनिंग क्या होता है हेरिडिटी का, आनुवंशिकता का अर्थ क्या होता है? तो आनुवंशिकता का अर्थ होता है हमारा शारीरिक प्लस हमारा मानसिक गुण जो होता है, शारीरिक और मानसिक गुण, ये दोनों ही किससे संबंधित हैं? ये दोनों ही आनुवंशिकता से संबंधित है। कैसे? कि आनुवंशिकता से तात्पर्य क्या होता है? शारीरिक और मानसिक गुणों के संचरण से होता है, यानी कि उसके संचय से होता है, जो कि माता पिता से। ये जो शारीरिक और मानसिक गुण किससे आए हमें? तो हमें हमारे माता पिता के जीन्स के माध्यम से। किसके माध्यम से? जीन्स के माध्यम से हम में आए हैं, हम में प्रवेश किए हैं। अब यदि आपकी माताजी या आपके पिताजी कभी भी, यदि आपके कलर को लेकर के, इस कलर को लेकर के, आपकी बुद्धि को लेकर के, ये सब यदि कुछ बोलते हैं, सुंदर हो, बदसूरत हो, ये है, वो है, गधा है, बिल्कुल बुद्धि नहीं है, तो ये आप कह सकते हैं शारीरिक, यानी कि शारीरिक गुण के लिए बोलेंगे, यानी कि शारीरिक रूप से जैसे भी आप दिख रहे हैं, तो बोलना जिम्मेदार कौन है? माता पिता ही है। बुद्धि आपकी कैसी है, जिम्मेदार कौन है? तो आपके माता पिता ही जिम्मेदार है। बहुत बार होता क्या है, होशियार माता पिता के बच्चे भी होशियार होते हैं, और यदि माता पिता की बुद्धि उतनी तीव्र नहीं है तो बच्चे भी वैसे ही होते हैं, क्योंकि जो शारीरिक और मानसिक गुण होता है ये दोनों ही माता पिता के जीन्स के माध्यम से हम में प्रवेश करते हैं।
क्लियर है, हेरिडिटी का मीनिंग आपको समझ में आया। अब आगे आते हैं हम लोग कि किस तरीके से ये आनुवंशिकता का प्रभाव क्या है, यानी कि इफेक्ट क्या है आनुवंशिकता का, इफेक्ट्स ऑफ हेरिडिटी। तो इफेक्ट्स ऑफ हेरिडिटी में सबसे पहला आनुवंशिकता का प्रभाव देख रहे हैं हम लोग, मीनिंग देख लिया हमने, आनुवंशिकता का प्रभाव क्या होता है तो आइए जानते हैं। तो जैसे कि बाल हम में जो आनुवंशिक गुण होते हैं, तो आनुवंशिक गुण क्या होते हैं, तो आनुवंशिक गुण यानी कि जो हेरिडिटी से जो ट्रेड्स होते हैं हम में, वो क्या होते हैं, आनुवंशिक गुण जो हम में आते हैं वो है हमारा कद यानी कि हमारा हाइट, हमारा रंग, हमारा रूप, ठीक है, हमारा शारीरिक गठन, हमारा हमारी वृद्धि, ये सभी चीजों को जो चीज प्रभावित करती है वो क्या प्रभावित करती है, आनुवंशिक गुण प्रभावित करते हैं। कद, हाइट हो गया, हमारा कलर हो गया, हमारे शरीर की संरचना कैसी हुई, हमारी वृद्धि, हमारा ग्रोथ कैसे हो रहा है। तो ते छोटा है हाइट में, हो यार अपने पापा को गया है, अपने पापा को गया है मतलब पापा भी छोटे हैं तो बच्चा भी छोटा है, बोलते हैं ना बहुत लंबा है यार एकदम अपने अपने दादाजी को गया, यानी कि ये क्या हुआ, हमने इनहेरिट किया, ये हम में ये गुण कहाँ से आए, यानी कि हम क्यों हाइट में लंबे हैं, हमने क्या किया है उसको इनहेरिट कर लिया है, यानी कि जीन्स के माध्यम से हम में आए हैं, जीन्स के माध्यम से दादाजी से पिताजी में, पिताजी से हम में, ऐसे आते हैं। तो ये प्रभाव पहला हुआ, ठीक। दूसरा प्रभाव क्या हुआ, तो जैसे कि बहुत बार क्या होता है कि माता जी को यदि सांस की बीमारी है, अस्थमा है, तो बेटी को भी हो जाएगा, बेटे को भी हो जाएगा, ठीक है। यदि कोई शरीर का कोई रोग है, हम बोलते हैं चलो डायबिटीज ही है, ठीक है, तो डायबिटीज की भी यदि हम बात करें, हो दादाजी को था, पिताजी को हुआ, पिताजी से फिर बेटे जी को भी हो गया, तो यानी कि जो बीमारियां होती हैं या फिर कोई समस्या होती है तो ये कहाँ से आता है, ये भी हमें आनुवंशिकता के प्रभाव के कारण होता है बीमारियां ये सब, ठीक है। जैसे कि मान करके चलो कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ये सभी बीमारियां और भी बीमारियां ये सब जो क्या है वो आनुवंशिकता की वजह से ही होता है। फिर उसके बाद में तीसरी बात जो आती है वो ये होती है कि हम में जैसे कि बहुत बार क्या होता है, बुद्धिमान यानी कि तीव्र बुद्धि के जो माता पिता होते हैं तो उनकी संतानें भी तीव्र बुद्धि वाली होती हैं। यदि माता पिता मंद बुद्धि के हैं, कैसी बुद्धि के हैं, मंद बुद्धि के हैं, तो उनकी संतान भी कैसी होती है, मंद बुद्धि ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आया कि तीसरा कारण क्या है, हमें ये जो बुद्धि जो होती है हम में, यानी कि मानसिक गुण जिसको हम कहते हैं, वो भी हमें हमारे माता पिता की वजह से ही आता है। कितना गधा है ये लड़का, कितना गधा है, तो यदि पिताजी बोल रहे हैं ये लड़का कितना गधा है, तो हाथ जोड़ करके बोलिएगा पिताजी आपकी ही देन है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको उल्टा जवाब देना, मतलब ये जान करके रखो आप लोग, ठीक है। तो ये बुद्धि की जो बात होती है, जो मानसिक गुण हो गए, माता पिता से ही आए हैं हम में, क्लियर है आप लोगों को। फिर उसके बाद में यदि हम देखें, बहुत बार क्या होता है कि मानसिक जो हमारी क्षमताएं होती हैं, मानसिक क्षमताओं के अंतर्गत हम बोल सकते हैं कि हम में मानसिक क्षमता से और भी क्षमताएं प्रभावित होती हैं, जैसे कि बहुत या बड़ा हिम्मती है, ये बड़ा हिम्मती है, तो कहाँ से ये हिम्मती आया, हिम्मती हुआ, तो मेंटल एबिलिटी के साथ साथ जो अन्य एबिलिटी होती हैं, जो डिफरेंट एबिलिटी जो और होती हैं, वो भी किससे आती है, तो माता पिता की ही देन है। बड़ा डरपोक है तो माता जी ही डरपोक हैं, इसलिए बेटा जी भी डरपोक हो गए,
ठीक है। अब बड़ा हिम्मती हो गए, डरपोक हो गए, ये सभी गुण कहाँ से आए हैं हमें में? माता पिता से ही आए हैं, क्लियर है। फिर उसके बाद में और कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और इसी संदर्भ में याद रखिएगा कि थॉर्नडाइक ने अपने विचार इस पर व्यक्त किए हैं। थॉर्नडाइक का कहना है, ठीक है, थॉर्नडाइक का कहना है कि जो मेन रीजन होता है, थॉर्नडाइक का क्या कहना है कि जो मेन रीजन होता है, किस चीज का मेन रीजन होता है कि जो बच्चे में जो पावर देखे जाते हैं, बेसिक पावर स्टेटमेंट में मैं पहले लिखूंगी द मेन रीजन फॉर अ चाइल्ड्स बेसिक पावर्स इज हिज इनहेरिटेंस, ठीक है। यानी कि थॉर्नडाइक का कहना है कि बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारण, बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारक क्या है, तो प्रधान कारण उसका वंशानुक्रम है। याद रखिएगा, क्या मैंने कहा, बालक की मूल शक्तियों का जो प्रधान कारण है वो क्या है, उसका वंशानुक्रम है। ये किसने कहा है, थॉर्नडाइक ने कहा है, क्लियर है। द मेन रीजन फॉर अ चाइल्ड्स बेसिक पावर इज इज इनहेरिटेंस, क्लियर है। अब जो पांचवा जो है हमारा कि वंशानुक्रम के प्रभाव के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है। जैसे कि यदि माता पिता चरित्रहीन है तो बच्चा भी चरित्रहीन होता है, ठीक है। और यदि माता पिता चरित्रवान है तो बच्चा भी कैसा बनेगा, बच्चा भी चरित्रवान बनेगा। लेकिन ये बात हर समय सत्य नहीं होती है, क्या है, ये हर समय सत्य नहीं होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो चरित्र होता है उसमें केवल और केवल आनुवंशिकता का ही प्रभाव नहीं होता है, उसके साथ साथ अन्य कारण भी यहाँ पे होते हैं जो चरित्र को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब कैसे मैं ये बोल रही हूँ, यदि केवल माता पिता के चरित्र ही यदि प्रभाव डालते तो हम बोलेंगे कि भक्त प्रहलाद के माता के जो पिताजी थे, माताजी तो अच्छी थी, पिताजी थे तो भक्त प्रहलाद के पिताजी तो राक्षस थे। अब राक्षस, हिरण्यकशिपु, राक्षस के घर में भी भक्त प्रहलाद हो गए। प्रहलाद जैसे कि भक्तों में सबसे पहले इनका नाम आता है प्रहलाद का, है ना। लेकिन वहीं हम रावण की बात करें तो उत्तम कुल पुलस्त के नाती, यानी कि कुल भी अच्छा था, ब्राह्मण कुल में था, और किसका नाती था, पुलस्त का नाती था, विश्रवा का पुत्र था, यानी कि ऋषि थे, पिता ऋषि थे, समझ में आया, और कुल भी ब्राह्मण का था। लेकिन फिर भी कैसा हो गया, राक्षसी स्वभाव का हो गया। लेकिन ये राक्षस कुल में उत्पन्न होकर के भी कैसा स्वभाव हो गया, सज्जन स्वभाव, भक्त स्वभाव, सत्पुरुषों का स्वभाव, साधु स्वभाव का हो गया। तो यहां से हम बोलेंगे कि जो हमारा चरित्र होता है, बिल्कुल माता पिता का प्रभाव तो होता है, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि केवल माता पिता का प्रभाव होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बोला, पूछा गया था कि कैरेक्टर जो होते हैं, तो कैरेक्टर में क्या केवल इनहेरिटेंस ही, यानी कि हेरिडिटी ही केवल प्रभाव डालती है या नहीं, तो हमें याद रखना है कि अन्य कारण भी होते हैं। और इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल से आप लोगों को यहाँ पे समझाया है, क्लियर है आप लोगों को। अब हमने आनुवंशिकता तो देख लिया, आनुवंशिकता के बाद जो दूसरा कारण होता है जो बालक के विकास को प्रभावित करता है
वो है उसका वातावरण, वो है उसका एनवायरमेंट। अब वातावरण की यदि हम बात करेंगे तो ये जो वातावरण होता है तो इसके वेरियस टाइप्स देख लेते हैं। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट? तो इसके अंतर्गत जो पहला टाइप है उसको हम कहते हैं इंटरनल एनवायरमेंट। क्या कहते हैं हम? इंटरनल एनवायरमेंट। अब आप ये बताओ इंटरनल एनवायरमेंट यानी कि आंतरिक वातावरण क्या होता है? देखो आंतरिक वातावरण वो होता है जब हम अपनी माताजी के गर्भ में रहते हैं, यानी कि जन्म से जो पूर्व का समय होता है, जन्म से पूर्व जब हम अपनी माता के गर्भ में रहते हैं तब उस समय के किस परिस्थिति में हम है, यानी कि माता हमारी माँ क्या खाई क्या पी, दवाई ले रही हैं नहीं ले रही हैं, आराम कर रही हैं नहीं कर रही हैं, क्या पढ़ रही हैं क्या देख रही हैं, ठीक है। जैसे कि सुभद्रा जी जब गर्भवती थी, यानी कि जब अभिमन्यु उनके गर्भ में थे, तब माता सुभद्रा अच्छा संग की, यानी कि उन्होंने उस समय ही भगवान श्री कृष्ण उस समय ही जब क्या बोलते चक्रव्यूह को भेदना माताजी को यानी कि अपनी बहन सुभद्रा को सुना रहे थे। सुभद्रा मैया सुन रही थी लेकिन उनकी आंख लग गई, जिसकी वजह से अभिमन्यु जो है केवल ये सीख पाए कि चक्रव्यूह में प्रवेश कैसे किया जाता है। माँ के सो जाने की वजह से अभिमन्यु भी सो गए और वो ये नहीं सुन पाए कि चक्रव्यूह से निकला कैसे जाता है, जिसकी वजह से वही उनके मृत्यु का कारण बन गया। और आप सभी जानते हैं महाभारत के युद्ध के विषय में। तो यहाँ से जो पहला प्रकार है वातावरण का वो है आंतरिक वातावरण, यानी कि जब जन्म से पूर्व जब हम अपनी माँ के गर्भ में रहते हैं तो उस समय हमारी माता हमें कैसा एनवायरमेंट प्रदान की है, वो क्या खाई क्या पी क्या देखी क्या सुनी क्या बोल रही है, ये सभी आंतरिक वातावरण के अंतर्गत आ गया। यानी कि गर्भाशय के चारों ओर की परिस्थिति, क्या मैंने कहा? गर्भाशय के चारों ओर की जो परिस्थिति होती है वही क्या होता है, वही आंतरिक वातावरण होता है। क्लियर है? कहा जाता है जब बच्चा गर्भ में है तो माता को क्या करना चाहिए, पौष्टिक आहार लेना चाहिए, यानी कि न्यूट्रिशियस फूड लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस वो सीधा किसको मिलेगा, वो बच्चे को मिलेगा। इसी वजह से बोला जाता है कि माता जी को क्या करना चाहिए, माता जी को अच्छे पौष्टिक आहार लेने चाहिए, अच्छे दृश्य देखने चाहिए, अच्छी बातें सुननी चाहिए, अच्छी बातें कहनी चाहिए, है ना। यही कारण है। क्लियर है आप लोगों को? फिर उसके बाद दूसरा प्रकार क्या होता है, तो दूसरे प्रकार के अंतर्गत हम आ जाएं जो बाहरी एनवायरमेंट होता है। अब ये बाहरी एनवायरमेंट क्या होता है, जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल एनवायरमेंट। एक्सटर्नल एनवायरमेंट होता है कि जब हम बाहर आ गए हैं, ठीक है, यानी कि अब हम बाहर में जो अभी आप लोग अपने सराउंडिंग्स में देख रहे हो यही क्या कहलाएगा, यही बाहरी वातावरण, बाह्य वातावरण जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल वातावरण कहलाता है। क्लियर है? अब इसके बाद जो एनवायरमेंट जो होता है उसको कहते हैं हम सोशल एनवायरमेंट। क्या कहते हैं हम? सोशल एनवायरमेंट। सोशल एनवायरमेंट का अर्थ होता है सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण का मतलब क्या होता है बताइए, सोचिए थोड़ा सा कि सामाजिक वातावरण क्या होता है। तो सामाजिक वातावरण मतलब हमारे आस पड़ोस मोहल्ले के अंतर्गत, यानी कि सामाजिक परिस्थितियां जो हमारी हैं, क्या है, जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, परिस्थितियां, ठीक है, परिस्थिति, कुछ मैंने गलत लिखा, हाँ परिस्थितियां, ठीक है, सामाजिक परिस्थितियां हो गया, रीति रिवाज हो गए, प्रथाएं हो गई, जैसे कि रहन सहन हो गया, प्रथाएं हो गई, रहन सहन हो गया, ठीक है,
ढंग हो गया, रहने सहने का ढंग हो गया है ना, रहन सहन हो गया आदि, ये सभी चीजें सामाजिक वातावरण बनाती हैं कि बोलते हैं कि हमारे यहाँ में, हमारे यहाँ ना ये इस रीति रिवाज से ये होता है, तो वो भी क्या है, आपका सामाजिक वातावरण है। आपके यहाँ ये प्रथाएं, हमारे यहाँ ना ऐसी प्रथाएं, हमारे यहाँ ना इस तरीके से रहते हैं, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे, हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ की सामाजिक परिस्थितियां ऐसी हैं, हमारे समाज में ना ऐसे होता है। ये सब क्या है, आपके सोशल एनवायरमेंट के पार्ट है, क्लियर है। आपके कस्टम्स हो गए, आपके ट्रेडिशंस हो गए, आपके वे ऑफ लिविंग्स हो गए, ये सभी चीजें आपके सोशल एनवायरमेंट है। लेकिन ये जो सोशल एनवायरमेंट होता है, ये अगेन कैटेगराइज होता है किसमें, यानी कि ये और भी अलग अलग भागों में विभक्त होता है। जैसे कि आपका इकोनॉमिक सिचुएशन हो गया, सामाजिक वातावरण के अंतर्गत आपकी आर्थिक परिस्थितियां होती हैं कि नहीं। हमने बोला सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति मतलब क्या, आपकी आर्थिक परिस्थिति, हम कैसे हैं, किस बैकग्राउंड से होते हैं। कुछ बच्चे बहुत अमीर होते हैं, बहुत अमीर फैमिली को बिलोंग करते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ एवरेज से भी नीचे होते हैं, यानी कि कुछ बिलो एवरेज होते हैं, है ना, जैसे कि पुअर फैमिली, वेरी पुअर फैमिली, ये क्या इकोनॉमिक सिचुएशन होती है, क्लियर है। फिर उसके बाद में आता है हमारा कल्चरल सिचुएशन। अभी कल्चरल सिचुएशन क्या होती है, तो कल्चरल सिचुएशन के अंतर्गत हमारा आ जाता है कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ इस तरीके के क्या है, एक्सक्यूज मी प्लीज, हमारी सांस्कृतिक परिस्थितियां, सांस्कृतिक परिस्थितियों के अंतर्गत हम बात करेंगे, जैसे कि रेगिस्तानी इलाके में चले जाइए, पहाड़ी इलाके में चले जाइए, तो हम क्या कहते हैं, अच्छा हिमाचली लोग जो है ना, उनके यहाँ ना कोई भी शादी होती है ना, तो सर में वो लोग ना टोपी लगा करके करते हैं, उनकी ना अलग से वेशभूषा होती है, ठीक है, वो उनकी सांस्कृतिक परिस्थितियां, यानी कि उनकी संस्कृति को वो दर्शा रहा है, ठीक। हम राजस्थान तरफ चले जाएंगे तो बोलेंगे वहां पे क्या पहनते हैं, लहंगा चोली पहनते हैं, ठीक। तो ये सब क्या है, ये संस्कृति से जुड़े हुए ये क्या है, ये परिस्थितियां हैं। उसके बाद आ जाता है माइंड सोशल सिचुएशन। माइंड सोशल सिचुएशन को कहते हैं हम मन सामाजिक परिस्थितियां, यानी कि माइंड सोशल सिचुएशन। अब माइंड सोशल सिचुएशन क्या होती है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि यदि परिवार में कोई दुखी है, मान के चलो किसी की तबीयत खराब है ना, अब परिवार में यदि किसी की तबीयत खराब है तो हमको हम ऐसा लगता है पूरे परिवार की तबीयत खराब हो गई है, ठीक है। यदि हम देख रहे हैं कि बोलते हैं ना यार थोड़ा सा ना आज मूड सही नहीं है, मैं ना सो नहीं पाया, क्यों भाई क्यों नहीं सो पाया, क्या है ना पास में ना किसी की डेथ हो गई थी, तो पूरा एकदम पूरा वैसा सिचुएशन था आज मोहल्ले में, तो इस वजह से मैं ना सो नहीं पाया, आज थोड़ा सा माइंड ठीक नहीं है, ये क्या है आपका मन सामाजिक परिस्थितियां, इसको कहते हैं। आप दूसरे का, आप किसी को देखियो बहुत दुखी है यार, आपको भी बहुत आज अच्छा नहीं लग रहा है यार, आज आ रहा था ना तो एकदम वहां पे देखा कि एकदम लग रहा था कि इतना ज्यादा दुख है यार समाज में, मतलब समझ रहे हो, आप दूसरे के दुख को देख करके आपको भी वही पीड़ा महसूस हो रही, वो चीज आपको प्रभाव डाल दी आपके अंतर्गत, दूसरे की सिचुएशन जिसको हम कहते हैं साइको सोशल सिचुएशन, क्या कहते हैं हम, यानी कि एक मनुष्य की सामाजिक परिस्थिति यदि दूसरे मनुष्य को प्रभावित करती है तो उसको क्या कहेंगे हम, साइको सोशल सिचुएशन कहते हैं। और साइको सोशल सिचुएशन की बात एरिक एरिक्सन ने की है, इसको भी अपने को याद रखना है, एरिक एरिक्सन ने साइको सोशल के संदर्भ में कहा है, ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, हमने देखा हेरिडिटी, हमने देखा एनवायरमेंट, यानी कि बच्चे के विकास को क्या क्या प्रभावित किए, आनुवंशिकता और दूसरा वातावरण। लेकिन हमने हेरिडिटी में अलग अलग पॉइंट्स को देखा, जिसके अंतर्गत जो मुख्य हमने देखा
वो फिजिकल और मेंटल एबिलिटी जो हमारी होती है वो हम इनहेरिट ही करते हैं, बट एनवायरमेंट में हमने अलग अलग एनवायरमेंट को देखा है। आई होप आप लोगों को समझ में आया है। और आप लोग करोगे क्या, आप लोग इसको जाकर के पहले जाकर के मतलब हो ही यानी कि इसको रिवाइज करोगे आप लोग, ठीक है। ये वीडियो एक बार सुनो, दो बार सुनो, फिर उसके बाद स्पीड बढ़ा लो और उसके बाद रिवाइज करो, नोट्स बना लो, ठीक है। इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल हो गया, सोशल, सोशल को भी अगेन इकोनॉमिक हो गया, कल्चरल हो गया और साइको सोशल यानी कि माइंड सोशल सिचुएशन जिसको हम कहते हैं, ये हो गया। तो आप लोगों को यदि इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप हमारे मोबाइल ऐप में विजिट कर सकते हो और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क भी कर सकते हो, 9584532690, इस नंबर पर आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।